तो अब जब जनता ने अपनी क्रिएटिव लिबर्टी का यूज कर लिया तो पापसी टुन्नू टुन्नू क्यों हो गई? इन दो फिल्मों में भी 250 प्लस क्रू मेंबर्स काम करते थे, फिर क्यों इन्हें बॉयकॉट किया? अब भाई भारत की जनता बहुत दयालु है, वो भीख आज भी खुशी से देती है, तो अब रोना धोना क्यों? साले बिक जाएंगे मगर अंदर का वामपंथ नहीं मरेगा। ये असल में सिग्नलिंग है वैकॉम को कि भैया अब तू आ जा और चल बनाते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर 3। यही बिगवुड की असली साजिश है कि कैसे भी करके बॉयकॉट मिशन को हाईजैक करके उसको केआरके का चेहरा दे दो। अब अमीर चीचा को सिर्फ एक ही जगह से उम्मीद है और वो है जिंगपिंग से। The best cricketer ever. So if you're saying my film like boycott, that means like हम लोग क्या batting करने वाले हैं? Box office. No, but on a serious note, I want to know what do you take of this thing because obviously, like you mentioned, every film is getting boycotted. तो अच्छी बात है ना, we don't want to feel out of place, yeah. हम भी Bollywood का हिस्सा हैं, हमारे को भी boycott करो. मैं तो बोलता हूँ ये जो लोग पिक्चरें boycott करने की बात करते हैं, वो पहले पिक्चर सिनेमा हॉल में देखने आते थे क्या? सवाल है जनरली। कुछ लोग उड़ता तीर लेते हैं, कुछ लोग उड़ता भाला लेते हैं और कुछ लोग सीधे अग्नि मिसाइल लेते हैं। दोबारा ने पानी भी नहीं मांगा और अमीर चीचा को अब कोई और पानी पिला रहा है, क्योंकि अब तो इंटरनेशनल लेवल पर लाल हो गई है और गालीबाज कुराक भक्षक फिर से अपना पैतरा खेल रहा है। और भी बहुत कुछ है, वो पेलने वाली लिस्ट अपडेट हुई है, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। पहले अपनी बात, कल मेरे जन्मदिन पर आप सभी के प्यार भरे मैसेजेस मिले, पढ़कर काफी खुशी हुई। आप सभी को हृदय से धन्यवाद। आप लोग हैं तो मैं हूँ और आप लोगों की वजह से ही ये भारतवर्ष परिवार आगे बढ़ता जा रहा है। सो स्वागत है आपका एक और श्राद्ध में। आज हम बैठे हैं दोबारा के श्राद्ध पर, जो बनी थी 30 करोड़ में और पहले दिन इसने मात्र 70 लाख कमाए। सारे मीडिया हाउसेस ने इसे 4 स्टार 5 स्टार जमकर पब्लिसिटी करी, मगर दोबारा को किसी ने एक बार भी ना देखा। जिस घमंड में इन दोनों ने पब्लिक की फीलिंग्स का मजाक उड़ाया था, उस हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि पापसी टुन्नू के हाथ अब भी दर्जन भर प्रोजेक्ट्स हैं और कुराक भक्षक जो इरोस, रिलायंस एंटरटेनमेंट, वैकॉम, फॉक्स स्टूडियोज तक अपनी फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुका है, वो आज अपनी ही फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के नाम पर विक्टिम कार्ड खेल रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अभी तो ऐसी और स्टोरीज आएंगी, ठीक वैसा ही हुआ। कुराक भक्षक कह रहा है कि हमने तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में कुछ नहीं कमाया, कमाया तो वैकॉम ने, कलर्स ने, जिन्होंने इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन किया। पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी से लेकर सभी एक्टर्स की कम फीस का रोना रोने लगा। ये वो आखिरी इमोशनल कार्ड होता है कि देखो हम तो सिनेमा बनाते हैं, वी आर क्रिएटिव पीपल। अच्छा जरा इनकी क्रिएटिविटी का एक नमूना देखते हैं, प्लीज वॉच दिस। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है, आपको किसी चीज ऑफेंडेड फील कर रहे हो, तो आप टॉलरेट करो। समझे, इनकी क्रिएटिविटी बी से सी तक जाती है और अब जब पब्लिक इन्हें जुतिया रही है तो अपनी ही पिछली फिल्म का रोना रोकर वैकॉम और कलर्स पर अपनी भड़ास निकाल रहा है। असल में गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद कुराक भक्षक ने अपनी हर फिल्म किसी न किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ मिलकर बनाई है। ये गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद की सारी फिल्म की लिस्ट है, चेक कर लो गूगल पर। तो अगर वैकॉम ने पैसा नहीं दिया तो भाई इतने प्रोडक्शन हाउसेस से कमाए हैं, वहां से दे दे। ये रोना धोना क्यों कि मैं अब गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 नहीं बनाऊंगा? ये असल में सिग्नलिंग है वैकॉम को कि भैया अब तू आ जा और चल बनाते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर 3। ये सब टैक्टिक्स होते हैं, आपको क्या लगता है इसको कोई कमी है? जब इसी भक्षक ने ट्विटर पर माँ दुर्गा का अपमान किया था और उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दिया था,
तब क्या हुआ था? किसी समय पर ये भक्षक एक और भसंड राम गोपाल वर्मा का शागिर्द था और अब ये उसी की राह पर पहुंच रहा है। ये भक्षक अब ये भी कह रहा है कि भैया मेरी इच्छा है कि RRR तो ऑस्कर जाए मगर द कश्मीर फाइल्स नहीं। क्यों, अब भी भूत नहीं उतरा वामपंथ का? साले बिक जाएंगे मगर अंदर का वामपंथ नहीं मरेगा। यही इनका असली चेहरा है। ये जो इमोशनल कार्ड गैंग्स ऑफ वासेपुत्री के नाम पर खेला गया है ना, उसके पीछे का असली एजेंडा ये है। इनको तकलीफ सच से है, इनको तकलीफ हर उस कहानी से जो हिंदुओं से जुड़ी है, जो भारत से जुड़ी है। अरे भक्षक भला हो इस फिल्म का जिसने 30 साल बाद भारत के लोगों को सच से रूबरू कराया जो इतने सालों तक तुम्हारे आकाओं ने गंगा जमुना तेजाब में छिपा कर रखा था। आज जब हर भारतीय कश्मीरी हिंदुओं के साथ खड़ा है तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है भाई? आज भी कश्मीरी हिंदू यही दर्द झेल रहे हैं, हमले अब भी हो रहे हैं, उस पर क्यों कुछ नहीं बोल रहा? पापसी टुन्नू तो एक कदम आगे निकल गई है, गल्लन टॉप टोपे को दिए अपने इंटरव्यू में बड़ी ऊंची ऊंची फेंक रही है। बल्कि शाबाश मिठू के लिए, इट वाज अ शॉकर फॉर मी कि भाई नहीं देखने आए लोग पिक्चर थिएटर में, यानी कि तुम अपने आप को स्टार नहीं बोल सकते। और जब से पिक्चर OTT पे आई है तब से रोज की रोज मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं उस फिल्म के लिए कि तुमने, यू हैव आउटडन योरसेल्फ, मुझे फोन आ रहे थे तुम्हारी बेस्ट परफॉर्मेंस लग रही है आज की, इतना आउट ऑफ कंफर्ट जोन तुम्हारे को कभी नहीं देखा। तो एक तरफ से थैंक यू बोलती हूँ, दूसरी तरफ से इतना गुस्सा आता है अंदर सोच के कि यार आप लोग तो इतनी पसंद आ रही है तो थिएटर क्यों नहीं गए? शाबाश मिठू का कोई बॉयकॉट नहीं हुआ था? उस फिल्म के डायरेक्टर नेशनल अवार्ड विनर श्रीजीत मुखर्जी थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस पर गुमनामी जैसी क्लासिक फिल्म बनाई और ये फिल्म थी बेस्ड सबसे सफल भारतीय महिला क्रिकेटर पर, मिथाली राज पर। फिर भी ये फिल्म क्यों नहीं चली? क्योंकि इस फिल्म में कोई कनेक्ट ही नहीं था पापसी और मिथाली राज का। किस एंगल से पापसी मिथाली राज लग रही थी? ये फिल्म अपने रॉन्ग कास्टिंग के लिए पिटी और अब इसे भी बॉयकॉट के खाते में डाल रहे हो? सचमुच बाप मरे अंधेरे में और बेटा पावर हाउस, वैसे साथ में अपना इमोशनल कार्ड भी खेल रही है। कह रही है कि वी नो वी हैव मेड अ फिल्म वी आर प्राउड ऑफ, आई होप यू गिव अस अ चांस। बहन उस समय तो बड़ी जोर नाची थी कि हमें भी बॉयकॉट करो, हमें भी लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन मूवी की लीग में लाके खड़ा करो। अब भाई भारत की जनता बहुत दयालु है, वो भीख आज भी खुशी से देती है, तो अब रोना धोना क्यों? इनकी ये फिल्म दोबारा फ्रेम टू फ्रेम कॉपी है मिराज फिल्म की। भाई अब गांव गांव में लोग इंटरनेट चलाते हैं, सब लोग अब अपडेट हो चुके हैं। एक आइडिया देता हूँ, अब से बीपवुड वालों को अपनी फिल्म को रिलीज करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहिए कि ये फिल्म इससे कॉपीड है और बस इस फिल्म के पात्रों जगहों के नाम बदले हैं, बाकी सब इसी फिल्म पर आधारित हैं, बिल्कुल क्राइम पेट्रोल की तरह, तब शायद बात बन सकती है। भाई अब ऑडियंस थक चुकी है इस कॉपीवुड से, जब नहीं है ओरिजिनल कंटेंट तो मत बनाओ ना, क्योंकि तुम लोग अपनी फिल्म में क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हो, हमारे रीति रिवाजों का मजाक उड़ाते हो। तो अब जब जनता ने अपनी क्रिएटिव लिबर्टी का यूज कर लिया तो पापसी टुन्नू टुन्न क्यों हो गई? अब तो WWE के जॉन सीना भी जन्माष्टमी पर विश करने लगा है। जिन हिंदू फेस्टिवल्स को हमेशा तुम लोग रिडिक्यूल करते आए हो, आज उन फेस्टिवल्स को लोग पहले से ज्यादा धूमधाम से मना रहे हैं। खुद ट्विटर पर पर्सनली पापसी मैडम ने मोर्चा संभाला हुआ है। 370 स्क्रीन में 70 लाख पहले दिन की कमाई तो भैया डिसेंट है, ये हमें आज मालूम पड़ा। कार्तिकेय 2 को तो 50 स्क्रीन्स दिए थे ना तुम लोगों ने, आज वो पब्लिक के सपोर्ट से ही 1575 प्लस स्क्रीन्स पर है। द कश्मीर फाइल फिल्म का तो पूरा बॉयकॉट तुम लोगों ने किया था, अनुपमा चोपड़ा ने तो रिव्यू देने से मना कर दिया था, अब पब्लिक ने हिसाब चुकता करना सीख लिया है। इन दो फिल्मों में भी 250 प्लस क्रू मेंबर्स काम करते थे, फिर क्यों इन्हें बॉयकॉट किया? इसका जवाब ना पूछो बीपवुड वालों से। वैसे जिस ट्वीट पर ये भड़की थी वो बीपवुड के दल्ले KRK का था, मुझे पता है बहुत लोग फैन हो गए उसके, कई लोग इसके फॉलोअर बन गए हैं, उनको ये कैसे मामू बना रहा है आज के ट्वीट से देख लो। कह रहा है कि मैं बॉयकॉट बॉलीवुड को सपोर्ट नहीं करता, बस बॉलीवुड शमशेर और ब्रह्मास्त्र जैसी क्रैप ना बनाए। ये आदमी SSR की डेथ के समय सबसे ज्यादा नाचा था, ये ट्वीट्स देख लो कि कैसे इसने SSR की हत्या का मजाक उड़ाया था। क्या अब भी इस 2 rupees क्रिटिक के फैन बनना है? जो कुछ तथाकथित राष्ट्रवादी जो हर बात पे मोदी से लेकर दुनिया तक को ज्ञान पेल देते हैं वो भी इसके प्रपंच में फंस गए? यही बीपवुड की असली साजिश है कि कैसे भी करके बॉयकॉट मिशन को हाईजैक करके उसको KRK का चेहरा दे दो ताकि आम पब्लिक का फिर से मामू बन जाए और ये मिशन खत्म हो जाए, क्योंकि पठान आने वाली है। अब भी समझ जाओ, थोड़ी अकल लगाओ, फिर बोलना नहीं कि बताया नहीं। इस KRK के पिछले सारे ट्वीट्स भूल गए क्या? अगर भूल गए हो तो उसकी टाइमलाइन जाकर
चेक कर लो। इन लोगों के पागलपन का आलम तो ये है कि अब लाल सिंह चड्ढा की लाल होने के बाद करीना कपूर खान को जब वी मेट याद आ गई है। कह रही है कि जब वी मेट की वजह से इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू बढ़ा, इसीलिए कहते हैं कि बेसिक एजुकेशन इज मस्ट। इस लॉजिक से तो इस करीना की फिल्म चमेली की वजह से कोठों का भी रेवेन्यू बढ़ जाना चाहिए था। कमाल का लॉजिक है ना। लगता है तैमूर जहांगीर के बाद सैफू को बाबर के काम पर लग जाना चाहिए। मोहम्मद अमीर हुसैन खान जो एक समय इक्का सेठ थे बीपवुड के, आज उनके लाल सिंह चड्ढा को ओटीटी पर भी कोई नहीं पूछ रहा है। सुनने में आया है कि नेटफ्लिक्स ने डील कैंसिल कर दी। पूरी कहानी समझाता हूँ। असल में लाल सिंह चड्ढा को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होना था। शुरू में अमीर चिचा 125 करोड़ से नीचे नहीं आ रहे थे, मगर ट्रेलर की कंबल कुटाई के बाद ये डील 90 करोड़ पर फाइनल हुई। मगर पहले हफ्ते की हालत के बाद नेटफ्लिक्स ने ये डील 50 करोड़ की कर दी, मगर दूसरे हफ्ते तक आते आते नेटफ्लिक्स को ये 50 करोड़ भी ज्यादा लगने लगे। तो भैया अब ये फिल्म वैकॉम की ही वूट पर रिलीज होगी। पर हाँ, इस बार ये डील कितने की हुई है इसकी खबर कोई नहीं छाप रहा है। अब अमीर चिचा को सिर्फ एक ही जगह से उम्मीद है और वो है जिनपिंग से, मेरा मतलब है चीन से, क्योंकि भाई की मूवी तो वहाँ 2000 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है और वहाँ के ऑफिशियल्स भी अमीर चिचा के जबरा फैन हैं। सो लेट्स वेट कि अब चीन इनकी नैया पार लगाता है कि नहीं, क्योंकि इस बार अगर ये 2000 करोड़ का स्कैम हुआ तो इस बार ईडी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि पिछली बार तो जनता जागरूक नहीं थी इसलिए बच गए, मगर इस बार ईडी भी फुल फॉर्म में है। देख नहीं रहे हो, छी छोदिया को भारत रत्न देने की तैयारी चल रही है हमारे सर जी की ओर से। और ये हम क्लीन पॉलिटिक्स के, राजनीति की सफाई के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। किसी भी आदमी को भले ही उसके ऊपर मर्डर का चार्जेस हो या किस तरह का हो, भले ही उसको लगता हो कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन अगर इस तरह के गंभीर आरोप है तो चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होनी। अभी तो बहुतों को रत्न देना बाकी है। आज ही उंगली बाई की नई फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ है जिसका नाम है जहां चार यार। फिल्म का पोस्टर देख के लग रहा है कि ये वही फेमिनाजीज वापस आ रही हैं जो फोर मोर शॉट्स और वीरे दी वेडिंग में अपना एजेंडा चला चुकी हैं। बस एक्ट्रेस बदल गए, मगर संख्या और उंगली बाई वही सेम टू सेम है। देख लेना, सिर्फ यही चार देखने जाएंगे। और लव जिहाद को प्रमोट करने वाली एक और फिल्म आ रही है, तारा वर्सेस बिलाल। टी सीरीज के भूषण कुमार बना रहे हैं और इसे को प्रोड्यूस कर रहे हैं फरहान अब्राहम, मेरा मतलब है जॉन अब्राहम। जहां चार यार सितंबर में और तारा वर्सेस बिलाल अक्टूबर में। लगता है इस बार दिवाली तक बीपवुड का दिवाला निकल कर रहेगा, क्योंकि पठान, जवान और डोंकी अभी बाकी है दोस्त। और अब चलते चलते एक संदेश उन बीपवुड के फैंस को जो कल से ट्विटर पर बॉयकॉट टीकेएमसी ट्रेंड करवा रहे हैं। बेटा तुम लोगों से इसी की उम्मीद थी, और कितना कब्र खुदवाओगे बीपवुड की? जनता के इमोशन को ट्रिगर मत करो। जब तुम्हारे अब्बा नहीं बचे तो तुम तो अभी लौंडे भी नहीं हो। सुना है कि इतनी फटी है पठान की कि अब उसके हाथ में तिरंगा लगा दिया, अब नहीं याद आ रही पाकिस्तान की। पेशाब टपकता है, टप टप। देश का सम्मान फोटोशॉप करने से नहीं आता है, वो दिल से आता है। ये भारत का तिरंगा है, कभी छूटेगा नहीं। अगर आप भी कुराक भक्षक और पापसी टुन्नू को अगली फिल्म के लिए अफगानिस्तान भेजना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।